हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ सीजी शिक्षा। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एंड इस चैप्टर के जो राइटर हैं अनीस जंग, सी इज़ अ इंडियन फीमेल राइटर। ओके, तो लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, स्प्रिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि एक सीजन का नेम होता है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोलन मीन्स चोरी हुआ, एंड चाइल्डहुड मीन्स हमारा बचपना। तो इस स्टोरी में मीन्स इस चैप्टर में हम लोग एक बचपना, ठीक है, किसी का बचपना कैसे चोरी हो जाता है, इसी पे हमारे जो ऑथर है अनीस जंग, उन्होंने दो स्टोरी और दो अलग अलग स्टोरी इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। और उन दोनों स्टोरीज में, ठीक है, कि चाइल्डहुड जो बचपना रहता है वो कैसे चोरी हो जाता है या फिर वो कैसे खो जाता है, इसी के ऊपर बेस्ड उन्होंने दो स्टोरीज मेंशन की हैं जो कि बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग से स्टोरी हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अनीस जंग 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। ठीक है, अनीस जंग, उनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। उन्होंने अपना चाइल्डहुड वहाँ स्पेंड किया, अपना बचपन वहाँ स्पेंड किया और हैदराबाद में अपना एडोलेसेंस उन्होंने स्पेंड किया था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और उनके जो पेरेंट्स थे मीन्स उनके जो मम्मी पापा थे वो दोनों के दोनों ही राइटर थे, लेखक और लेखिका थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और जो अनीस जंग थे, ठीक है, उन्होंने एज अ राइटर एक लेखिका का जो करियर था, एक लेखिका का जो उनका सफ़र था, उन्होंने अपने हमारे इंडिया से ही स्टार्ट किया था। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अबोर्ड एंड हैज़ ऑथर सेवरल बुक्स। वो एक राइटर होने के साथ साथ एक एडिटर थी और बहुत सारे न्यूज़पेपर मीन्स अखबारों में वो कॉलमनिस्ट क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं उसको भी हम कॉलमनिस्ट कह सकते हैं। तो वो राइटर के साथ साथ एक एडिटर थी, कॉलमनिस्ट थी, इंडिया में भी और एब्रॉड में भी, मतलब देश में भी हमारे और विदेश में भी, और साथ ही साथ वो बहुत सारे बुक्स की ऑथर भी थी, मीन्स उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा भी था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और जो हम आज रीड करने वाले हैं वो उनका बुक जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सिर्फ एक एक्सर्प्ट है, मीन्स एक अंश है। हियर सी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पुअर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इस स्टोरी में, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो दो स्टोरीज हैं उसमें ऑथर ने पुअर्टी मीन्स गरीबी के बारे में बताया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो कितने सारे स्ट्रगल करते हैं और उन स्ट्रगल की वजह से जो उनका चाइल्डहुड रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, एक्सप्लॉयट हो जाता है। हो गया, आइए देखते हैं इस स्टोरी का हम फर्स्ट सेक्शन, मीन्स हमारा फर्स्ट स्टोरी। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, कभी कभी मुझे गार्बेज में मीन्स कूड़े में मुझे एक सिक्का भी मिल जाता है। इस स्टोरी को हम पढ़ने से पहले ये जान जाएं कि इस स्टोरी में तो आपको जैसे मैंने बताया ही था कि जो हमारी ऑथर है अनीस जंग वो रहेंगे, साथ ही साथ इस स्टोरी में एक रैक पीकर के बारे में स्टोरी है। रैक पीकर मीन्स होता है जो कूड़े में से कुछ कुछ चीज़ें उठाते हैं, मीन्स कचड़ों में से जो चीज़ उठाते हैं जो लोग, उनको हम बोलते हैं रैक पीकर। और उस रैक पीकर का नेम रहता है साहिब ए आलम। ओके, साहिब ए आलम एक बच्चा रहता है, एक बॉय रहता है जो कि छोटा रहता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में ऑथर रहेंगे, साथ ही साथ ऑथर के साथ रहेंगे एक रैक पीकर मीन्स कचड़ा उठाने वाला, और उसका नाम रहता है साहिब ए आलम जो कि एक छोटा सा बच्चा रहता है। तो वो बच्चा ही बताता है कि उसको कूड़े करकट से, ठीक है, गार्बेज से कभी कभी क्या होता है कि एक सिक्का ही मिल जाता है, इसलिए इसका टाइटल रखा गया है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड।
सबसे पहले जो हमारी ऑथर रहती है अनीस जंग, वो किससे क्वेश्चन करती है? साहिब से क्वेश्चन करती है। साहिब कौन रहते हैं? यस, साहिब रहते हैं एक रैक पीकर। तो उनसे हमारी ऑथर क्वेश्चन करती है और वो पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये सब चीज़ क्यों करते हो? ठीक है, आगे वो बताती है कि वो किससे पूछ रही है, साहिब से पूछ रही है, जो कि उनके पड़ोस में हर सुबह जो वहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पे वो आके स्क्राउजिंग करता है। मीन्स स्क्राउजिंग मीन्स होता है सर्चिंग फॉर, कुछ भी चीज़ को हमको, अगर हम कुछ भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं दैट मीन्स स्क्राउजिंग कर रहे हैं। ओके, तो आगे ऑथर बताती है कि साहिब वो है जो कि हर सुबह उनके नेबरहुड में मीन्स उनके पड़ोस में जो कूड़ा फेंक करके जाते हैं वहाँ पे आ करके वो क्या करता है, डेली के डेली वहाँ गोल्ड सोना ढूंढता है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि गार्बेज में कोई सोना क्यों फेंकेगा? यहाँ पे गोल्ड का मीन्स है समथिंग प्रेसियस, समथिंग वेरी प्रेसियस, कुछ ऐसा चीज जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं एक रैक पीकर के बारे में, तो रैक पीकर मीन्स जो कचरा उठाने वाले, तो उनको अगर उस कचरे में कुछ चीज़ बहुत स्पेशल मिलता है या फिर कुछ चीज़ बहुत प्रेशियस मिलता है, कीमती मिलता है, दैट मीन्स वो उनके लिए गोल्ड के जैसा होता है। इसलिए ऑथर ने क्या किया है, गोल्ड को उसके कंपेयर किया है। आगे देखते हैं, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत साल या फिर बहुत दिनों पहले से ही छोड़ रखा है। सेड अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। आगे वो बताती हैं कि जो उनका घर था वो किस में था, एक ग्रीन फील्ड के एमिट्स में था, मीन्स हरे भरे खेत के बीच में था, कहाँ, ढाका में, जो कि एक मेमोरी, एक याद बन के रह गए हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। अब वो आगे बोलते हैं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके सिवा करने के लिए और कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लैडली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ठीक है, जैसे ही वो जो रैक पीकर में जो साहिब रहता है वो कहता है कि मेरे पास इसके सिवा कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसी टाइम पे जो हमारी ऑथर है वो उसको रिप्लाई करती है, गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओ। और जो वो ये चीज़ बोले रहती है वो क्या करती है, रियलाइज़ करती है, महसूस करती है कि उसने क्या हॉलो, क्या मीनिंगलेस चीज़ उसने कह दिया है। क्योंकि वो जो रैक पीकर है, क्या वो कभी स्कूल जाएगा, ऐसा वो उन्होंने बोल तो दिया रहता है, लेकिन वो सोचती है कि मैंने क्या बोल दिया, ये तो एक रैक पीकर है और ये रैक पीकर तो स्कूल जाएगा नहीं। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। आगे साहिब कहता है कि मेरी नेबरहुड में मीन्स मेरे पड़ोस में एक भी स्कूल नहीं है, अगर कोई वहाँ पे स्कूल बिल्ड करेगा मीन्स अगर वहाँ पे स्कूल बनेगा तो वो स्कूल भी जाएगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. ठीक है, आगे ऑथर क्या रिप्लाई करती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी, अगर मैंने स्कूल शुरू कर दिया तो क्या तुम वहाँ पे आओगे, ऐसा ऑथर मजाक से बोलती है। ठीक है, जोकिंग करते हुए मीन्स मजाक से वो बोलती है कि क्या अगर मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे। Yes, he says smiling broadly. वो बहुत खुश होके मीन्स उसके चेहरे में बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो हाँ बोलता है कि मतलब वो स्कूल जाने के लिए तैयार रहता है। It takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meant. अब ऑथर जैसे ही सुनती है कि उस बच्चे ने तो हाँ कह दिया, वो बहुत एम्बेरस हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो बोलती है शर्मिंदगी के साथ कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मीन्स स्कूल बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। और उसको पता रहता है कि उसने जो प्रॉमिस किया मीन्स उसने जो कहा है कि वो स्कूल अगर बनाएगी तो वो आएगा, तो उसको ये पता रहता है कि वो जो बोली है वो उसको उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग मीन्स शर्मिंदगी महसूस करती है। बट प्रोमिसज लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन उसके ब्लीक वर्ल्ड मीन्स ब्लीक मीन्स एम्प्टी, खाली, तो उसकी जो खाली दुनिया होती है उसमें इस तरीके के प्रोमिस उसके लाइफ में मीन्स रैक पीकर साहिब के लाइफ में इस तरीके के झूठे प्रोमिस एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो तो एक रैक पीकर होता है, उसके लाइफ में ये सब चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता कि कोई आए और कोई उनको कुछ भी प्रॉमिस कर ले तो उस पर बिलीव कर जाए, फिर सडनली उसका अगर प्रॉमिस टूट भी जाता है तो उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ही वॉज अ रैक पिकर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। आगे ऑथर बताती है
कि जब उनको उसको वो बहुत महीनों से अब जानने लग जाती है, तब वो उसे उसका नेम पूछती है, तो वो बताता है साहिब आलम, ही अनाउंसेस, ठीक है, वो अनाउंस करते हुए मीन्स वो बताता है कि उसका नाम रहता है साहिब आलम। ही डजंट नो वॉट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। आगे ऑथर कहती है कि उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता होगा, अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता, मीन्स साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का जो भगवान होता है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के जो लॉर्ड होते हैं उसके नाम का मतलब वही होता है। तो उसी को ऑथर कहती है कि अगर उसको अपने नाम का मीनिंग पता होता तो उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, या फिर उसके लिए इसको बिलीव कर पाना, यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा हार्ड मीन्स मुश्किल होता। Further, unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. ठीक है, आगे ऑथर बताती है कि उसको अपने नाम का पता नहीं था, मतलब उसको अपने नाम के मीनिंग का पता नहीं था, वो क्या करता था अपने स्ट्रीट्स के, अपने गली के कुछ लड़कों के साथ जो कि उसके फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उनके साथ वो घूमा करता था और उनका जो आर्मी हुआ करता था, आर्मी मीन्स हियर ग्रुप ऑफ बॉयज़, ठीक है, ग्रुप ऑफ बॉयज़ को यहाँ पे आर्मी कहा गया है, तो जो उनके ग्रुप ऑफ बॉयज़ मीन्स जो उनका आर्मी हुआ करता था उसमें जितने भी बॉयज़ थे सब सबके सब बैर फुट्स हुआ करते थे, बैर फुट्स मतलब नंगे पाँव हुआ करते थे, उनके पैरों में कोई भी जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे, वो एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह थे, मतलब जो सुबह के पक्षी होते हैं जो उनको सुबह नज़र आते हैं, जैसे ही दोपहर होता था वो सारे के सारे लड़के वहाँ से डिसअपीयर गायब हो जाया करते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों में ऑथर बताती है कि कुछ महीनों में मैंने उन सभी को एक एक से मतलब हर एक को उसमें से पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। Why aren't you wearing chappals? I ask one. और उन्हीं बॉयज़ में से किसी एक से ऑथर पूछती है कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं वियर करते, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। My mother didn't bring them down from the shelf, he answers simply. जिनसे क्वेश्चन पूछी रहती वो लड़का रिप्लाई करता है सिंपली सामान्य से कि मेरी मम्मी ने सेल्फ, ठीक है, जो सेल्फ होता है जिसमें हम चप्पल रखते हैं, तो उस सेल्फ से मेरी मम्मी ने मुझे चप्पल निकाल के नीचे नहीं दिया, ये रिप्लाई करता है वो बॉय। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर बॉय हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। ठीक है, अब जो जैसे वो दोनों के बीच बात होते रहता है तो कोई दूसरा लड़का मीन्स उन लोग तो पूरे ग्रुप में रहते हैं, तो उसी में से एक और लड़का रिप्लाई कर देता है कि अगर उसको दे भी दिया जाता तो वो वियर नहीं करता, उसको फेंक देता। ठीक है, और वो जो रिप्लाई किए रहता है वो क्या करता है, डिफरेंट, ठीक है, मीन्स जो मैच नहीं होते रहता है, मीन्स एक पैर में अलग जूता पहने रहता है और दूसरे पैर में कुछ अलग जूता पहने रहता है। जब ऑथर उसको कमेंट करती है तो वो क्या करता है, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के उसको छुपाने की कोशिश करता है। ओके, आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। ठीक है, अब उसमें से एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे जूते की ज़रूरत है, मुझे जूते चाहिए क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी एक पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, मतलब एक जूते का जोड़ी कभी नहीं पाया है या मुझे कभी नहीं मिला है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. आगे ऑथर बताती हैं कि जब वो ट्रैवलिंग करती है कंट्री पे, मीन्स जब वो सफ़र करती है अपने देश में, तो वो देखती है ऐसे बच्चों को जो कि barefoot, मतलब बिना जूता चप्पल ये सब पहने हुए उन लोग क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं, सिटीज़ में भी उन्होंने देखा है और विलेज रोड मतलब गांव और शहर के रोड में उन्होंने देखा है कि जो बच्चे रहते हैं उन लोग बेयर फुट क्या करते हैं, वहाँ वॉकिंग करते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है कि वो बिना जूतों चप्पल के रह रहे हैं, बल्कि क्या है, ये ट्रेडिशन है, ये रिवाज है उनका बेयर फुट रहने का, बिना जूतों चप्पल के रहने का एक ट्रेडिशन है, ऐसा लोग उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी।
तो वो आश्चर्य हो जाती है, आई वंडर, वो बोलती है कि मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ कि पुअर्टी को लेकर के, ठीक है, गरीबी को लेकर के उनका जो ऐसा एक्सक्यूज़ रहता है, ऐसा बहाना रहता है, उससे जो ऑथर रहती है वो थोड़ी सी वंडर हो जाती है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूदिपी वंस टोल्ड मी। अब यूदिपी क्या है यहाँ पे? उदिपी एक प्लेस का नेम है। आगे ऑथर बताती है कि उनको एक बार की बात याद है, ठीक है, कहानी याद है जो कि उदिपी के एक लड़के ने उनको बताया था। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूदिपी, सॉरी, उन्होंने यूदिपी के एक लड़के की कहानी उनको याद है, ऐसा वो अब शेयर करती है। एज अ यंग बॉय He would go to school past an old temple. अब यहाँ से ऑथर उस उदिपी जो एक प्लेस का नेम है वहाँ से एक लड़के की स्टोरी को हमको समझा रही है, तो यहाँ से अब एक स्टोरी स्टार्ट हो रहा है जो ऑथर हमको सुना रही है। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. आगे वो बताती है, जो कहानी सुनाती है, उदिपी का एक लड़का रहता है, एक यंग बॉय रहता है, मतलब एक छोटा सा लड़का रहता है, वो क्या करता है, अपने स्कूल में जाता है, ठीक है, मतलब अपने पास्ट में वो स्कूल में जाता था जो कि एक ओल्ड टेम्पल था, और उसी टेम्पल में उसके फादर क्या थे, एक प्राइस्ट थे, एक पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वो क्या करता था, उस टेम्पल में, उस मंदिर के पास रुक जाता था और एक जोड़ी जूतों के लिए वहाँ पे वो प्रे करता था गॉड से। 30 years later, I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. ठीक है, आगे ऑथर बताती है कि 30 साल के बाद वो वापस से उसी टाउन पे जाते हैं, उसी गांव पे, उसी शहर पे जाते हैं और उसी टेम्पल पे जाते हैं, जो कि अब क्या हो गया, वो टेम्पल पूरी तरीके से डिसोलेशन हो गया, मीन्स अब वहाँ पे ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खाली रहता है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। आगे वो बताते हैं, बैकयार्ड मीन्स पीछे का हिस्सा, तो पीछे एक न्यू प्राइस्ट रहते हैं, मतलब एक नए पुजारी रहते हैं जिनके पास रेड और वाइट कलर का प्लास्टिक का चेयर, मीन्स प्लास्टिक की कुर्सियाँ रहती हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक यंग बॉय रहता है, एक युवा लड़का रहता है जो कि ग्रे कलर का क्या पहने रहता है, अपना यूनिफॉर्म पहने रहता है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और उस यूनिफॉर्म के साथ साथ वो जूते और मोजे भी पहने हुए रहते हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वो क्या करता है, वो वापस आता है और अपने स्कूल बैग को किस में करता है, अपने बेड में, फोल्डिंग बेड मतलब अपने बिस्तर में वापस से उसको रख देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Okay? अब उस boy को देख करके author को याद आ जाता है उस boy का, जो boy एक pair, ठीक है, वन पेयर ऑफ शूज़ के लिए, मतलब एक जोड़ी जूतों के लिए क्या कर रहा था, गॉड से प्रेयर कर रहा था, और गॉड ने उसके प्रेयर को भी सुन भी लिया था, उसको एक जोड़ी जूता मिल भी गया था, और जैसे उसको वो पेयर ऑफ शूज़ मिलता है तो वो दोबारा गॉड से क्या प्रेयर करता है, लेट मी नेवर लॉस देम, कि ये जूता मुझसे कभी ना खोए, ऐसा वो अपने गॉड से प्रेयर करने लगता है, और उसकी जो गॉडेज रहती है, उसके जो भगवान रहती है, उसके प्रेयर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। Young boys like the son of the priest now wore shoes. ठीक है, जो priest का son रहता है, means जो उस पुजारी का बेटा रहता है, अब वो जूते पहनने शुरू कर देता है। ठीक है, ये वही कहानी है जो हमने अभी start किया था, कि जो एक priest रहता है temple का, वो क्या करता है, उसका जो बेटा रहता है वो स्कूल पे जाता है, स्कूल पे जाते वक्त वो टेंपल पे रुक के जो प्रेयर कर रहा था ना कि मुझे वन पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, फाइनली अब ऐसा होता है कि उस प्राइस्ट के सन को, मतलब उस पुजारी के बेटे को एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाता है। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। अब आगे ऑथर बताती है कि अभी भी उनके नेबरहुड में, मीन्स उनके पड़ोस में बहुत सारे रैग पिकर ऐसे हैं जो अब तक क्या है, शूलेस हैं, जिनके पास शूज़ नहीं है, मीन्स जिनके पास जूते नहीं हैं। तो ऑथर यहाँ पे दोनों कंपेयर कर रही है कि एक टेम्पल का प्राइस था, कल तक उसके बेटे के पास भी शूज़ नहीं था, लेकिन आज वो शूज़ एफोर्ड कर पा रहे हैं, आज वो शूज़ खरीद लिया है, वो शूज़ पहन रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें रैक पिकर्स को, मीन्स जो कचड़ा उठाते हैं, ठीक है, तो जो रैक पिकर्स हैं आज भी वो क्या है, शूलेस हैं, उनके पास आज भी शूज़ नहीं हैं।
माय एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट ट्रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब वो आगे ऑथर हमको ये बताती है कि जैसे वो बेयर फुट रैक पिकर्स को देखते हैं, मीन्स जो बिना जूतों चप्पल के जो वो रैक पिकर रहता है, तो उनका एक्वेंटेंस मीन्स उनके जान पहचान में रहता है वो बच्चा, तो उनको किसका याद आ जाता है? सीमापुरी का। सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी एक प्लेस है जो कि दिल्ली के आउटर एरिया में, पेरीफेरी मीन्स दिल्ली के आउटर एरिया में लोकेटेड है। दोज हु लिव इन हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और जितने भी लोग सीमापुरी में रहते हैं उन लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश इज़ अवर नेबरिंग कंट्री, वो हमारे इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। तो जितने भी लोग सीमापुरी में रहते हैं, ऑथर बताती है कि वो सारे लोग क्या हैं? स्क्वेटर्स हैं। और वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं 1971 में, और उन लोग वहाँ से आ करके सीमापुरी में रहते हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का जो परिवार है उसी में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी क्या है? एक वाइल्डरनेस, मीन्स वो एक वेस्ट लैंड है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इट इज स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। वो पहले तक था कि उसका कोई भी यूज़ नहीं था, वो बिल्कुल भी वाइल्डरनेस था, मतलब वेस्टलेस था, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता था। लेकिन आज वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स वो आज खाली नहीं है। इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपोलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लीव 10,000 रैक पिकर्स। और वो क्यों खाली नहीं है? क्योंकि जो बांग्लादेश से भाग कर हमारे इंडिया में आए थे उन लोग कहाँ पर बस गए हैं? उसी सीमापुरी में बस गए हैं। इसी वजह से ऑथर कहती है कि वो अब खाली नहीं है। आगे वो बताती है कि मड के स्ट्रक्चर में, मीन्स मड मीन्स मिट्टी के आकार में उन्होंने क्या किया, घर बना लिया है। उनके घर का छत मीन्स उनके घर का रूफ टीन और तरपोलिन मीन्स टीन और तरपाल से बना हुआ है। उनके घर में कोई भी सीवेज मीन्स गंदगी निकलने के लिए, ड्रेनेज और रनिंग वाटर मीन्स पानी बाहर जाने के लिए कुछ भी एरिया नहीं है। और 10,000 से भी ज़्यादा रैक पीकर्स लोग क्या करते हैं? सीमापुरी में रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. और आगे वो ऑथर बताती है कि सीमापुरी में जितने भी रैक पीकर्स लोग रहते हैं ना, उन लोग लगभग से 30 साल से भी ज़्यादा हो गया वहाँ रहते हुए, फिर भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ना ही उनको वहाँ रहने का परमिशन है, अनुमति है। लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड है, ठीक है, जो कि उसमें उनका राशन कार्ड की वजह से वोटर लिस्ट में उनका नाम भी जुड़ा हुआ है, जिससे उन लोग क्या करते हैं? राशन कार्ड से ग्रेन खरीद लेते हैं, मतलब कम दाम में अनाज खरीद पाते हैं। आगे ऑथर ये भी बताती है कि उनके लिए फूड मीन्स खाना ज़्यादा ज़रूरी है पहचान से, आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए क्या है? फूड है, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए मीन्स उनको जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनके पहचान से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए खाना है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। ओके, आगे बताते हैं कि एंड ऑफ द डे मतलब दिन के अंत में वो अपने पूरे परिवार का पेट भरते हैं और बिना एकिंग स्टमक के, मतलब बिना पेट दर्द के वो क्या करते हैं? अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। इसलिए वो बताते हैं कि ऐसे फील्ड में, ऐसे खेत में वो क्यों नहीं रहते जहाँ उनको बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलता। इसलिए वो ढाका को छोड़ करके कहाँ आ गए थे? सीमापुरी आ गए थे, क्योंकि उनको अपने ग्रीन फील्ड्स में, जो उनका फील्ड था जहाँ पहले वो रहते थे, वहाँ उनको बिल्कुल भी ग्रेन मीन्स अनाज नहीं मिला करता था। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है वो ऑथर बताती हैं
कि उन्हीं ग्रुप में से एक वुमेन थी, एक औरत थी, जिन्होंने टाटर्ड सारीज, टाटर्ड मीन्स पुराना, जिसका कलर बहुत ज़्यादा डल हुए हो जाए रहता है, इस तरीके का एक वुमन वहाँ पे साड़ी पहनी हुई थी। तो जब ऑथर उस वुमन से पूछती है कि आपने अपना घर, अपना जो ग्रीन फील्ड है, मतलब अपना जो खेत है, उसको छोड़ करके आप यहाँ क्यों आए हो, तो यही रिप्लाई वो वुमन करती है कि उन लोग क्या करते हैं, दिन के अंत में अपने पूरे परिवार का पेट भरते हैं और बिना पेट दर्द के अपने बेड में उन लोग सोने जाते हैं। इसलिए वो क्या बोलती है कि हम उस ग्रीन फील्ड में रहना नहीं चाहते जहाँ हमारे लिए कोई भी अनाज नहीं है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम। ठीक है, और वो आगे ये बताते हैं ऑथर हमारे हमको ये बता रही है कि जहाँ भी उनको फूड मिलता है, मतलब जहाँ भी उनको खाने के लिए मिलता है, उन लोग क्या करते हैं, अपना टेंट को, अपना ट्रांजिस्ट होम, ट्रांजिस्ट होम मीन्स अ टेम्परेरी होम। ठीक है, मतलब टेंट लेके घूमते हैं और क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। जहाँ भी उनको खाना मिलता है वहाँ पे उन लोग अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पे उन लोग रहने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अब हम चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके साथ जो चिल्ड्रन मीन्स उनके जो बच्चे उनके साथ बड़े होते हैं वो भी क्या रहते हैं, उनके सर्वाइवल के पार्टनर्स रहते हैं, मतलब उनके जीवित रहने में वो भी उनका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, रैक पिकिंग मीन्स कचड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और कई सालों तक अब उन लोग क्या करते रहे, बस रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, तो रैक पिकिंग करते करते वो उनके लिए क्या बन गया है, एक आर्ट बन गया है, एक कला बन गया है। गार्बेज उनके लिए एक गोल्ड, एक सोने के समान होता है। इट इज़ दैट डेली ब्रेड अ रूप ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूप, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। ठीक है, वो उनके लिए एक ब्रेड जैसा होता है, उनके सर पे जो छत होता है भले ही वो लीक कर रहा हो, मीन्स अगर उसमें लीकेज भी होगा फिर भी वो जो छत है, उनका जो रूफ है, जो उनके हेड मीन्स सर के ऊपर है, वो उस चाइल्ड के लिए, मीन्स वहाँ जितने भी बच्चे रहते हैं उन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा है कि एटलीस्ट उनके सर पे एक छत तो है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट्स, साहिब सेज हिज आई लाइटिंग अप। अब साहिब बहुत खुश होके, मीन्स उसके आंखों में खुशी, एक चमक दिखाई दे रही थी, और वो कहता है कि कभी कभी क्या होता है, उसको 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी तो उस गार्बेज में उसको 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। ये बताते हुए साहिब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. आगे हमारी ऑथर ये बताती है कि जैसे उन बच्चों को गार्बेज में पैसे मिलने लग जाते हैं, मीन्स कभी उनको सिक्का मिलता है, कभी नोट मिलता है, तो वो खुद को रोक नहीं पाते, वो और क्या करते हैं, और ढूंढने लग जाते हैं, शायद हमको और भी नोट या फिर सिक्के मिल जाए, ऐसा सोच के वो और स्क्राउजिंग मीन्स सर्चिंग करने लग जाते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is a wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. और जो garbage है, means जो कचरा होता है, वो बच्चों की नज़रिए से अलग होता है और उनके जो parents होते हैं, ठीक है, उनके नज़रिए से वो अलग होता है। और बताया गया है कि बच्चे लोग के लिए वो क्या होता है, एक wrapped होता है wonder के लिए, means एक आश्चर्य उनके लिए क्या होता है, वो enjoyment होता है बोल सकते हैं, एक उसमें सस्पेंस रहता है, उन लोग बहुत ही सस्पेंसली क्या करते हैं, उसमें फाइंड करते हैं, कभी उनको सिक्का मिल जाता है, कभी शूज़ मिल जाते हैं, कभी नोट्स मिल जाते हैं, तो उन लोगों का थिंकिंग सिर्फ यहीं तक रहता है। लेकिन जो उनके पेरेंट्स रहते हैं, जो एल्डर्स रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, उनके लिए गार्बेज क्या होता है, एक सर्वाइवल होता है, मतलब जिंदा रहने के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो गार्बेज ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब आगे ऑथर बताती है कि ठंडी का मौसम था, विंटर सीजन था, सुबह सुबह, और जो साहिब रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने नेबरहुड के मीन्स अपने पड़ोस के क्लब में एक गेट के पास खड़े रहता है और देखता है कि वहाँ पे दो यंग, ठीक है, टू यंग मैन, दो
यंग मीन्स युवा आदमी क्या करते हैं, वाइट कलर का ड्रेस पहने रहते हैं, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने रहते हैं और वो टेनिस खेलते रहते हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो जो सॉरी जो साहिब रहता है उसको टेनिस बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। वो क्या करता है, वो उस गेट के पीछे से ही, ठीक है, जिस गेट से खड़े होकर वो देखते रहता है, उसी गेट के पीछे से ही वो उन लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख के खुद कंटेंट हो जाता है, मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आगे साहिब बताता है कि जब उस ग्राउंड में कोई भी लोग नहीं रहते हैं तो साहिब अंदर चले जाता है और वहाँ पे का जो गेट कीपर रहता है मीन्स जो गार्ड रहता है वो साहिब को अंदर भी आने देता है और साहिब अंदर आके वहाँ पे स्विंग मीन्स झूला भी झूलता है। आगे ये बताया जा रहा है कि जो साहिब रहता है वो भी क्या किए रहता है, टेनिस का शूज़ पहने रहता है, टेनिस का जूता पहना रहता है और उसके डिस कलर्ड शर्ट में, मतलब जो उसका पुराना शर्ट था उसके साथ वो शूज़ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। ओके, आगे वो खुद को एक्सप्लेन करते हुए बताता है नरेटर को कि किसी ने उसको ये शूज दिया है, ठीक है। अब नरेटर उसको, जो ऑथर रहती है, सॉरी हमारे चैप्टर की जो ऑथर रहती है, उसको बहुत ही अजीब नज़रिए से देखने लगती है कि वो तो पुराना शर्ट पहना है और उसने क्या किया, पुराना शर्ट पहनने के बावजूद वो टेनिस शूज पहना हुआ है। ऐसे शॉकिंग नज़रिए से वो क्या करती है, देखने लग जाती है। इसलिए खुद को एक्सप्लेन करते हुए, इस खुद को मतलब क्लैरिफिकेशन देते हुए जो साहिब रहता है वो बताता है कि किसी ने उसको ये शूज़ को दिया हुआ है, शायद वो शूज़ उस किसी अमीर लड़के का रहा होगा जिसका वो शूज़ यूज़ नहीं हो रहा होगा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। यस, आगे वो बताती है कि जो रिच बॉय था मीन्स जो अमीर लड़का था, शायद वो उस जूते को नहीं पहनता था क्योंकि उस जूते के जोड़ी में से एक जूते में क्या था, होल था, छेद था, जिसके वजह से शायद वो बॉय उसको वियर नहीं करता होगा और उसने साहिब को दे दिया होगा। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट्स इवन शूज विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, आगे ऑथर ये कहती है कि कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा लड़का जो कि बेयर फूट मीन्स बिना शूज बिना स्लीपर के क्या करता होगा, वॉक करता होगा, चलता होगा, अगर उसके पास एक होल वाले एक छेद वाले जूते भी हैं तो मानो उसका सपना क्या हो गया है, सच हो गया है। क्योंकि कल तक तो उसके पास कुछ भी शूज नहीं था, आज उसके पास एटलीस्ट होल वाले शूज ही सही पर शूज तो हैं। But the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. आगे author ये भी कहती है कि जो साहिब वो game देख रहा था, वो खेल देख रहा था, वहाँ तक पहुँच पाना उसके लिए possible ही नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर हम कुछ भी गेम क्या करते हैं, सीखते हैं, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए रहता है, उसके पूरे किट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है जिसके लिए आपको पे करना होगा। और साहिब क्या था, एक रैक पीकर था, तो वो तो सिर्फ उसको देख सकता था, ठीक है, उसके लिए वहाँ तक पहुँच पाना मीन्स टेनिस खेल पाना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आगे बताती है ऑथर कि एक मॉर्निंग साहिब को वो एक रास्ते में जाते हुए देखती है और उसके हाथ में क्या रहता है, स्टील का कैनिस्टर, जो कि रहता है एक मिल्क बूथ। स्टील कैनिस्टर क्या होता है, कैनिस्टर आपका एक कंटेनर होता है जिसमें दूध क्या करते हैं, रखते हैं, मीन्स मिल्क को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर का हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कैनिस्टर। ओके, आगे देखते हैं अब हम। आई नो वर्क इन अ टिल स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आगे साहिब ये बताता है कि अब वो क्या कर रहे हैं, एक रोड की तरफ वो पॉइंटिंग करते हैं, मतलब एक रोड की तरफ इशारा करते हुए वो ऑथर को बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल में, ठीक है, जो चाय का दुकान होता है, टी स्टॉल पर अब वो काम कर रहे हैं। आई एम पेड 800 rupees एंड ऑल माई मिल्स डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। और साहिब ये भी बताता है कि उसको क्या मिलता है, वो टी स्टॉल पे जब वर्क करता है, वहाँ काम करता है, उसको 800 rupees मिलता है, साथ ही साथ उसको पूरे दिन का मिल मीन्स उसको पूरे दिन का उसका भोजन भी मिलता है। तो ऑथर उसे पूछती है कि क्या तुमको अपना जॉब पसंद है।
His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जैसे ही ऑथर उसे पूछती है कि क्या तुमको अपना जॉब पसंद है, तो आगे ऑथर ये बताती है कि जो उसका फेस रहता है, ठीक है, मीन्स जो उसका चेहरा रहता है वो केयर फ्री लुक रहता है, मतलब वो अपना केयर फ्री लुक को खो दिए रहता है. दैट मीन्स ये है कि पहले वो रैक पिकिंग का काम करता था तो उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ करता था. जैसे ही साहेब अब एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया, उसके ऊपर एक बोझ आ गया, एक बर्डन आ गया, तो वो जो एकदम बेफिक्र रहा करता था वो चीज़ उससे खो गया. आगे ऑथर ये भी कहती है कि जो वो स्टील का कैनिस्टर पकड़े रहता है वो उस प्लास्टिक के बैग से जिसमें कि वो क्या करता था, अपना रैक को पिक करता था, अपना कचरा जिस प्लास्टिक के बैग में वो उठाया करता था उससे बहुत ज़्यादा हैवी है वो स्टील का कैनिस्टर. स्टील कैनिस्टर मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें हम लोग मिल्क को स्टोर करते हैं, कंटेनर होता है. तो वही बताती है ऑथर कि उस प्लास्टिक के बैग से ये स्टील कैनिस्टर बहुत ज़्यादा हैवी था जिसको वो क्या करता था, अपने शोल्डर पे, मीन्स अपने कंधे पे वो उठा करके ले जाया करता था. द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. ओके, आगे ऑथर ये भी कहती है कि जो उसका बैग था जिसको वो अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधे पे उठा के ले जाया करता था, एटलीस्ट वो बैग तो आपका उसका किसका था, साहेब का था, लेकिन जो वो स्टील कैनिस्टर उठाया करता था वो कैनिस्टर किसका था, जिसका वो टी शॉप था, मीन्स जो इसका टी स्टॉल था वो कैनिस्टर उसका था. यहाँ पर अब साहेब का खुद का एक साहेब अब खुद का एक ओन मास्टर नहीं रहा, मतलब अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है, मीन्स वो खुद का मालिक अब नहीं रहा.